नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। खुद को गैंगस्टर लंडा हरी के बताकर उद्योगपति से फिरौती मांगने वाले एक व्यक्ति को जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने उद्योगपति से 2 करोड़ रुपयों की मांगी थी फिरौती। अमृतसर के हकीमा वाले इलाके में रहने वाले एक नौजवान ने की आत्महत्या। जालंधर के साईंदास स्कूल की ग्राउंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की हुई शुरुआत। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को गैंगस्टर लंडा हरी के बताकर शहर के एक व्यापारी को फोन किया था और फिरौती मांगी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ADCP ने बताया कि शहर के उद्योगपति बलकार सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें 4 फरवरी को जबरन वसूली के लिए कॉल आई। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने अपनी पहचान खतरनाक गैंगस्टर लंडा हरीके के रूप में बताई और उनसे 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी। स्वपन शर्मा ने बताया कि फोन करने वाले ने मांग पूरी नहीं करने पर उद्योगपति और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। तो वह पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उक्त व्यक्ति ने उक्त मांग पूरी करने के लिए उद्योगपति को 5 और 6 फरवरी को फिर से फोन किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि उद्योगपति ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। स्वपन शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को कॉल के पीछे अमनजोत सिंह और मक्खन सिंह दोनों निवासी कैदोवाल माहलपुर होशियारपुर की भूमिका का पता चला। वहीं पुलिस से ADCP City 2 ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर जालंधर में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मक्खन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अमनजोत अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है और बाकी का विवरण बाद में साझा किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला हैगा कि जी शहर के कारोबारी ने थ्रेट कॉल आई सी लंडा हरीके के नाम तो जड़ा हैगा कॉल किया सीगा और जड़ा बंदा ने कॉल किया बंदे ने सानू इनफॉर्म किया असी जड़ा PA सदर च एक FIR जड़ी हैगी दर्ज की है अंडर सैक्शन 386-506। असी एदा टैक्निकली थोड़ा इनवैसटीगेट किया पूरा केस नू केस नू इनवैसटीगेट करन तो बाद जड़ा हैगा असी जड़ा पाया कि जड़ा ए अमनजोत और मक्खन सिंह इन्हां तो दो बंदियां दा इनवॉल्वमेंट हैगा। अमनजोत सिंह बेसिकली UK रहिंदा हैगा बेसिकली होशियारपुर दे हैगे मक्खन दा बेटा हैगा तो उन्हां दा इनवॉल्वमेंट आया इन्हों असी जड़ा मक्खन नू असी अरेस्ट कर लिया हैगा। असी जड़ा हैगा बाकी असी टैक्निकली भी असी देख रहे हैगे कि एदा होर किते इनवॉल्वमेंट हैगा और बाकी एदे च की है असी बाकी जड़ा हैगा जड़ा इनवैसटीगेट असी कर रहे हैं। हाँ, जिहड़े कारोबारी नू फोन कीता सीगा ओह कारोबारी दा काम की है और किन्ने रुपए की फिरौती मंगी गई सी? नहीं, जड़ा कारोबारी बेसिकली वो बेसिकली अड़तिया जड़ा हैगा अड़त है उहदे तों रिलेटेड हैगा और उन्होंने 2 करोड़ की जड़ी फिरौती मंगी गई सी। अमृतसर के हकीमा वाले इलाके में रहने वाले एक नौजवान ने अपनी पत्नी तथा ससुर परिवार से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नौजवान की उम्र 30 वर्ष के करीब है और वह हलवाई का काम करता था। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक नौजवान का विवाह 88 फुट रोड पर रहने वाली एक लड़की के साथ हुआ था और विवाह के बाद इनके घर में रोजाना कलेश रहता था जिसके चलते उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। उक्त नौजवान ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी जिसके चलते गत दिवस उक्त नौजवान अपने ससुराल गया और उसके बाद जब घर वापस आया तो वह रास्ते में ही गिर पड़ा जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने ससुराल परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल परिवार की ओर से उक्त नौजवान को कोई जहरीली चीज़ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है इसलिए पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਫਰੂਫਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਤੋਂ ਘੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਗਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਏ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 88 ਫੁੱਟੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਸੀ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਾਓ ਲੜਕੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ FIR ਲੋਜ ਆ ਅਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਂਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार द्वारा साईंदास स्कूल की ग्राउंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, CM भगवंत सिंह मान की बहन मनप्रीत कौर, विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, संस्था के संचालक विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता दीपक बाली, आप नेता राजू मदान, वरिष्ठ आरती व समाज सेवक महेश मखीजा, धार्मिक नेता राहुल भारी ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित कर की मंच संचालन करते हुए आयोजक विधायक रमन अरोड़ा ने सभी गणमान्यों का स्वागत किया, जिसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कथावाचक जया किशोरी जी के पंडाल में पहुंचते ही महानगर के श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय घोष लगाते हुए उनका भव्य स्वागत किया। कथा की शुरुआत के पहले दिन ही जया किशोरी ने युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने पर जोर दिया। जया किशोरी ने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक कथा सुनना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म, ज्ञान और अध्यात्म सभी एक साथ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्र में पूजा पाठ नहीं, जिंदगी जीना सिखाया गया है। कथा के बीच जया किशोरी जी ने भजनों के माध्यम से खूब भक्ति रस बरसाया, जिससे पंडाल में लोग मस्ती से झूमने लगे। इस अवसर पर आयोजक विधायक रमन अरोड़ा, महेश मखीजा, राहुल बाहरी, राजू मखीजा, राजू मदान, दविंदर वर्मा, अरुण आनंद, शिवम मखीजा, गीता अरोड़ा, राधा मदान, राजन अरोड़ा, साक्षी अरोड़ा, बॉबी मखीजा, दीपिका बाहरी, नीरू महेंद्रू, ममता मखीजा, रमेश अरोड़ा, राज अरोड़ा, ऊर्जा मदान सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
श्री बाला जी महाराज के सीम कृपा के नाल श्री कष्ट निवारण बाला जी सेवा परिवार वालों श्रीमद भागवत कथा के पहले दिन से सारे का बहुत बहुत स्वागत, खास करके स्वागत है साढ़े पंजाब की धी सरदार भुवन सिंह मान जी मुख्यमंत्री पंजाब की भैन और मेरी भी भैन मनप्रीत कौर जी, साथ साढ़े विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा साहब का श्री देवी तला मंदिर तो मुख्य सेवादार श्री शीतल वीर जी का, आम आदमी पार्टी तो सीनियर नेता दीपक बाली जी का और तुहाडा सारयां दा इत्थे आया दा बहुत बहुत स्वागत। बहुत खुशी हो रही है तुहाडे चेहरियां ते समाइल देख के, क्योंकि तुसी जया किशोरी जी नूं देख देख के मैं देख रही सी कि जिवें उन्हां दे चेहरे ते नूर है, तुहाडे चेहरे ते भी उन्हां नूं देख के नूर आ गया। इहो जिहियां इदां दीआं रूहां दा तुहानूं दर्शन करन दा मौका मिलिया है, सो इहदे लई रमन अरोड़ा जी दा बहुत बहुत असीं धन्नवाद करते हाँ, क्योंकि इदां दे प्रोग्राम हुंदे रहण तां बाकी जिहड़े संसारक आपां झमेलियां चों निकल के कुछ शांति दे कुछ स्पिरिचुअल जिहड़े पल आपां बिता सकीए, सो तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते तुसीं बहुत लक्की हो कि दूसरी बार जया किशोरी जी के दर्शन करन दा तुहानूं मौका मिल रहा है, ते इस वहिंदी गंगा च हुण तुसीं 6 दिन पूरा अपना सफल करना है जीवन, ते सानूं भी बड़ी खुशी हो रही है इत्थे आके कि इहा जिहे प्रोग्राम च सानूं आउण दा मौका मिलिया। बहुत बहुत धन्नवाद। बाला जी महाराज जी की, अज इस बड़े मुबारक पवित्र मौके ते साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी होरां दी, सत्कारयोग भैन जी साढ़े भैन जी भैन मनप्रीत कौर जी, साढ़े बहुत प्यारे वीर जिहड़े तुहाडी नुमाइंदगी करदे ने पंजाब दी विधानसभा, रमन अरोड़ा जी, बहुत सत्कारयोग शीतल विज जी, दीपक बाली जी। मैं सोच रहा सी पहला ही बड़ा सोहना शॉल लिया होया ते उहदे उपर हुण तां फिर भगवान दे नाम वाला शॉल हो गया, हुण तां बस बल्ले बल्ले हो जाणी है, बल्ले बल्ले हो जाणी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जया किशोरी जी, भैन जी ये कल्ले वो सारिया जिहड़ियां भैणां ते बच्चे कर्मां वाले नहीं, भाग्यशाली नहीं, मैं भी बड़ा भाग्यशाली, मैं भी दूजी वारी दर्शन कर रहा उन्होंने। देखो धर्म है ना, जो जिथे धर्म है उथे सुख, जिथे धर्म है उथे शांति है, जिथे धर्म है उथे समृद्धि है। पता नहीं किहड़े चक्करां च पाता सी आपां नूं, जे कोई पाठ करता है पूजा करता तो बच्चे कहण लग पिछला ये की कम कर लगे, लेकिन अपने बच्चों ये समझण की लोड़ है। देखो एक निक्की जी उम्र की एक साड़ी भैन, इहदी सारी दुनिया इहनूं देखण नूं तरसदी है, सारी दुनिया। वो क्यों, उहदा की कारण है, मैं ये कारण समझदा कि ये वो कम कर रही जिहड़ा गुरबाणी च लिखा, गुरबाणी कहिंदे कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना जे को जपिए लाए ध्याना, ये प्रभु दे गुण गाउंदी है, उहदा नाम ध्याउंदी है। और बच्चों मैं तुहानूं भी कहिंदा जे तुसीं भी प्रभु दे गुण गाओगे उहदा नाम ध्याउंगे ते दुनिया दे सारे सुख समृद्धि ताकत सब कुछ तुहानूं मिलेगा। किसानों ने खनोरी बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, तो वहीं एक किसान भाई ने किसानों के आंदोलन के लिए एक एम्बुलेंस तैयार की है। इस एम्बुलेंस में हर तरह का प्रबंध किया गया है। इस मौके पर मनिंदर सिंह लदाल ने कहा कि किसान आंदोलन में अगर किसानों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो ये एम्बुलेंस मौके पर पहुँचेगी और किसानों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। वीर जी एम्बूलेंस आपां ना अपने लहरे एरिए दे विच फ्री सेवा दे चलाउण वास्ते बनवाउणी सीगी हजे अगे अप्रैल महीने च, पर जदों किसानां दी इह काल सुणी तां आपां एमरजेंसी दे विच कल ही तैयार करवाई है थोड़े दिनां दे विच लै के, ते भी जिहड़ा उत्थे इह जिहड़ा मार्च जांदा है
ਕਣ ਬਈ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਵੀਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐੱਨ ਏ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਰ ਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰ ਓ ਵੀ ਪੱਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਡਰਿੱਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਰਬਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ कहा कि 3 वर्ष बाद वे गुरु घर में माथा टेकने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु घर में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वाहेगुरु जी आप ही सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 2 वेब सीरीज़, 2 पंजाबी मूवी और 2 तेलुगु मूवी आ रही हैं, तो वहीं उन्होंने लोगों को अमृत वेले से जुड़ने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की बात कही। तो वहीं दविंदर यादव ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी नई वेब सीरीज आ रही है जो कि जल्द ही रिलीज होने जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आई थिंक 2 तो 3 साल बाद आई हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑलवेज ही हरिमंदर साहब इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग्स, यह जी ब्लेसिंग्स से मन लगता है कि पूरी कायनात च कितें ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 90 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2 ਤੇਲਗੂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ। थाना डिवीज़न नंबर 5 के अंतर्गत आते बस्ती दानिशमंदा स्थित श्री शनि देव मंदिर को चोरों ने 2 सप्ताह में दूसरी बार निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि इस बार वे कुछ ले जा तो नहीं पाए, लेकिन चोरों द्वारा चोरी का प्रयास अवश्य किया गया, जिस संबंध में पंडित की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई। वहीं पंडित दिलीप कुमार झा ने बताया कि चोरों द्वारा 15 दिनों में दूसरी बार मंदिर को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार में काफ़ी सामान चोरी कर ले गए थे, लेकिन इस बार सामान तो नहीं गायब हुआ, लेकिन वे सारा सामान बिखेर कर चले गए। इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने कहा कि शिकायत आई है, वे मामले की जाँच कर रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर में आपके मंदिर खोले हैं, वैसे देखे हैं टेबल उबुल लगा हुआ है, चोरी हुआ है। कितने दिन पहले भी इस मंदिर में चोरी हुई थी? पहले भी हुई थी, पहले 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद वो चोर पकड़े गए थे? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया था। तो अब मंदिर से क्या क्या लेकर गए वो? अभी कुछ नहीं लेकर, सामान वामान बिखेर के चला गया वो सामान। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਲੀ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ
श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 5वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा स्थित महेश पाल अंगुराल के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप लक्की गई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अंजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी कमल डालिया, लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। रविदास महाराज जी ने 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में अज श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला तों अज की 5वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता साडे गुरु घर के प्रधान मानजो मदन लाल खिंदर जी ने की है। सारे नगर की परिक्रमा करके अज की प्रभात फेरी साडे बहुत ही सत्कारयोग आदमी श्री करमचंद जी हंस, जिन्होंने असं प्यार लाडी बाबू जी भी कहने हाँ, उन्होंने ग्रह विखे अज की प्रभात फेरी पहुंची है और आई हुई प्रभात फेरी का बहुत सारा मान सत्कार हंस परिवार ने किया है। चाह का लंगर, पूड़ी, कड़ाह, छोले और 51 तो दमड़ा सेवा नगद मिठाई के डब्बे सेवा कराई है गुरु महाराज चरणा च। असी महाराज के चरणा च अरदास करते हैं, बेनती करते हैं सच्चे पातशाह हंस परिवार से हमेशा मेहर भर हाथ रखना, खास तौर पर साढ़े करमचंद हंस जी, राजू हंस जी, बिटू हंस जी, सारा ही परिवार अज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद सदका, उन्होंने आशीर्वाद सदका अज अपने मुकाम के पहुँच रहा है, मेहनत कर रहा है परिवार। सो महाराज के जन्मदिन की असी सभा वालों, इसी सभा वालों लख लख बधाई दें, लख लख बधाई दें, क्योंकि तुम जानते हो कि 22 तरीक न प्रोग्राम है, 23 तरीक न भी शोभा यात्रा, 23 तरीक न एक पवित्र शोभा यात्रा पूरे शहर के निकाली जाएगी और 24 तरीक न महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है और 25 तरीक न भी असी जन्म दिहाड़ा जिहड़ा गुरु घर श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला विखे मनाना है। सारिया संगतों को बेनती है कि उत्थे पहुँचना है। अच्छ बैठी गुरु प्यारी साहब सिंह जी हो, आप सब बड़ी बटभागी हो कि जो गुरु रविदास महाराज का जन्म दिहाड़ा जो कि 24 तरीक न आ रहा है, उसके उपलक्ष्य के जो 9 तरीक तो लैके 22 तरीक तक प्रभात फेरियां चल रही हैं, अज 5वीं प्रभात फेरी है और अज 5वीं प्रभात फेरी साढ़े बेटा करमचंद जी हंस उन्होंने परिवार उन्होंने ग्रह में पहुंची है। तो मैं करमचंद जी लख लख बधाई देना, क्योंकि उन्होंने जो नया घर बनाया है उसके भी उन्होंने अज जो है मतलब सारा जो पार्टी की है। तो हंस परिवार को उन्होंने चंद परिवार से असं इसी सभा और जन सभा वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ और उन्होंने गुरु महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाई देते हाँ। तो गुरु प्यारी साहब सिंह जी, जिस तरह के सैकटरी साहब ने दसिया है कि 9 तो लैके 23 तरीक प्रभात फेरी चल गई, 23 तरीक न शोभा यात्रा है, 24 तरीक और 25 तरीक इस बार श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला गुरु रविदास का जन्मदिन है, 2 दिन मनाया जा रहा है, 24 तरीक न 25 तरीक न 24 तरीक न झंडा रस्म होगी और 25 तरीक न कवि दरबार जो है वो अपना जो मनाया जाएगा। तो सारी संगत जो साड़ी वापस हो रहा है, सारे बेनती है कि 23 तरीक न पहुँचना है और 24 तरीक और 25 तरीक न सारे ने पहुँच के गुरु महाराज का जन्मदिन मनाना है। तो हंस परिवार ने बहुत ज़्यादा जो है सेवा की है, असी स्त्री सभा और जैन सभा वालों करमचंद जी उन्होंने सारे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सारी संगत की सेवा करके जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है।
बसंत पंचमी से पहले अवैध चाइनीज डोर बेचने वालों पर नकेल कसते हुए पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध चाइनीज डोर बेचने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कुल 33 चाइनीज डोर के गट्टू बरामद किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी गुरप्रताप सिंह ने बताया कि बसंत महोत्सव से पहले जब बड़ी संख्या में पतंगे उड़ाई जाती हैं, कुछ शरारती तत्व प्रतिबंधित चाइनीज डोर बेचते हैं। इसी के चलते पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। एडीसीपी ने कहा कि पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अजीत नगर में दुग्गल बेकरी नामक दुकान पर छापा मारा गया तो दुकान के अंदर से 30 चाइनीज डोर के गट्टू बरामद किए गए। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिव कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी अजीत नगर जालंधर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना रामा मंडी जालंधर में मुकदमा नंबर 47 के तहत धारा 188 IPC दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी, बसंत पंचमी के त्यौहार के मद्देनज़र माणयोग CP साहब वालों सारे अधिकारियों को यह हदायतें ने कि जेकर कोई भी व्यक्ति कोई भी दुकानदार चाइना डोर की विक्री कर रहा है तो वो बारे इनफॉर्मेशन गैदर करके उत्थे रेड की जाए तो मैक्सिमम रिकवरी करके उन्होंने खिलाफ जी बनती कानूनी कार्रवाई है उन्होंने खिलाफ परचे रजिस्टर किए जाता जो यदि जी विक्री है वह ठल पाई जा सके। हाँ, यह भी पता लगा इस केस में लैके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इन्हों को भारी मात्रा में चाइना डोर बरामद की गई। इस लड़ी के तहत असी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन्हों को कुल 33 जड़े गट्टू ने चाइना डोर के वो रिकवर हुए हैं थाना रामा मंडी के थाना डिवीजन नंबर 8 के 2 FIR रजिस्टर की गई ने। सो असी ये कार्रवाई भी ऑलरेडी कर चुके हैं। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया उन्होंने की नाम है कितने के रहने वाले और कितनी देर तो यह काम कर रहे हैं? एक का नाम जी दोषी शिव कुमार दुग्गल है जो कि अजीत नगर रामा मंडी का रहने वाला है। ये पासों 30 गट्टू जड़े ने रिकवर हुए ने चाइना डोर के। दूजा दोषी जोड़ा नितिश तलवार है जो कि महेंद्रू महला जलंधर का रहने वाला है। ये पासों 3 गट्टू रिकवर हुए ने पतंगबाजी का काम करते हैं तो वे आर्ट के ही जी है चाइना डोर की भी नाल विक्री कर रहे थे जो कल सूँ इनफॉर्मेशन मिली सी। बेस्ड अपॉन दैट इनफॉर्मेशन अं इन उत्ते रेड की जिते सानू चाइना डोर के जो गट्टू ने रिकवर हो गए तो असी 188 के तहत IPC के तहत इन्होंने खिलाफ परचे रजिस्टर किए हैं। पंजाब सरकार ने चाइना डोर के उत्ते पूरी तरह बैन लगाया तो पुलिस पूरी शक्ति करती हुई दिखाई दे रही। FIR लॉन्च हो रही, गिरफ्तारियां भी हो रही, फिर भी कई दुकानदार है हली धड़ल्ले दे नाल चाइना डोर की जी है बिक्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना डोर के उत्ते सरकार वालों मुकम्मल रोक लाई गई है, पुलिस एक्शन कर रही है, असी परचे भी रजिस्टर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं कहना चाहवागा कि यह समाज वालों हर एक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि असी यदा बॉयकॉट करिए चाइनीज जो चाइना डोर है यदा बॉयकॉट करिए। जो असी खरीद करनी बंद कर देंगे तो ओबियसली है कि जोड़ा सेल करने वाला है वो यदि सेल भी बंद हो जाएगी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। खुद को गैंगस्टर लंडा हरी के बताकर उद्योगपति से फिरौती मांगने वाले एक व्यक्ति को जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने उद्योगपति से 2 करोड़ रुपयों की मांगी थी फिरौती। अमृतसर के हकीमा वाले इलाके में रहने वाले एक नौजवान ने की आत्महत्या। जालंधर के साईंदा स्कूल की ग्राउंड में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा की हुई शुरुआत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।